हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोसेल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो एडमिन पैनल है, जो हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका हमने एडमिन पैनल बनाया और उसमें जो होम एडमिन और जो यूज़र डेटा वाला मेनूस है, उन दोनों मेनूस को हमने कम्प्लीटली कर दिया। आज हम जो एड प्रोजेक्ट आइडियाज मेनू है उसको कम्प्लीट करेंगे। हम अपने जो विजुअल स्टूडियो है उस पर आ जाते हैं, विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो ओपन कर लेना है और जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर लेना है और उसमें जो एडमिन पैनल है उसके अंदर जो एड प्रोजेक्ट आइडियाज़ का मेनू हमने बनाया है, जो फॉर्म्स है वेब फॉर्म, उसको ओपन कर लेना है। जो एड आइडियाज डॉट एक्स वी एक्स वाला जो वेब फॉर्म है उसको ओपन कर दीजिए। और अभी यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो ब्लैंक होगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। यहाँ पे देखें, सिर्फ H1 टैग में मैंने एड प्रोजेक्ट आइडियाज़ लिखा है, वो भी डेमो के लिए। फिर दोस्तों, हमें जो अपना डेटाबेस है उस पर आ जाना है, सर्वर एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर जाके चेक करना है जो टेबल्स है उसमें, जो एक से लेकर चारों टेबल है वो दिख रहे हैं, उसमें से जो आइडियाज टेबल है उसको क्लिक करना है। उस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड आईडी, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, टाइप, लैंग्वेज और ड्यूरेशन, ऐसे जो 5 फील है वो मिलेंगे। दोस्तों, हमें इसका फॉर्म बनाना है। हम जब भी न्यू आइटम ऐड करेंगे तो उसमें जो एक प्रोजेक्ट आईडी, पीआईडी यानी कि प्रोजेक्ट आईडी, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम यानी कि प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद टाइप वेब एप्लीकेशन है या वो, उसके बाद जो लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बना है और कितने ड्यूरेशन में ये कंप्लीट करना है। तो ऐसे जो 5 मेनू से फील्ड्स है उसको ऐड करना है। आप कोई भी डिज़ाइन उसके लिए फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जो पहले डिज़ाइनिंग इसकी एक फॉर्म बना रखी है तो आप उस डिज़ाइनिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। मैंने जो भी लिंक है वो अभी मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, वहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक की है उस लिंक को आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से जो यहाँ पे एड आइटम्स वाला एक एसपीएक्स फॉर्म आपको मिल जाएगा, उस सारे कोड को उसको ओपन कर लेना है और कोड को कॉपी कर लेना है। कोड कॉपी हो जाए उसके बाद यहाँ से सेंटर टैग में पूरा कोड होगा दोस्तों, ये पूरी सेंटर टैग है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लीजिए और उसके बाद जो हमारा जो कंटेंट पेस्ट था, जो आइडियाज वाला, उस पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद जो हमने पहले H1 टैग रेफरेंस के लिए लगाई थी, यहाँ पे जो उस पर हम कमेंट दे देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी कमेंट दे देता हूँ, उसको कमेंट दे। उसके बाद जो भी है फॉर्म्स हमने बनाया उसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसकी डिज़ाइनिंग है उसको चेक करते हैं। तो जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देखिए, जो है पूरी डिजाइनिंग है वो बन गई और इमेज है अभी शो नहीं हो रही क्योंकि जो हमारा इमेज फोल्डर है उसके अंदर जो मैंने इमेज यहाँ पे सेट रखी थी वो नहीं है। आप कोई भी इमेज यहाँ पे, जो भी इमेज सेट करेंगे उसको सबसे पहले यहाँ जो एसेट फोल्डर है उसके अंदर आपको पेस्ट करनी होगी, यानी कि उसको यहाँ पे लानी होगी। अगर कहाँ से आप इस इमेज को चेंज करें तो इसके सोर्स कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जब स्टार्ट में आपको मिल जाएगा ऑप्शन जो इमेज वाला, यहाँ पे देखे जो इमेज डॉट एड आइटम वाला जो मैंने अभी इमेज लिखा है, क्योंकि ये इमेज है अगर इसको शो करनी है तो यहाँ पे एसेट फोल्डर में पेस्ट करनी होगी जहाँ पे भी हमारे पीसी में पड़ी। आप जो भी इमेज यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उस इमेज को पहले एसेट फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसका पाथ दे दीजिए। अब दोस्तों आ जाता है डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग पे जो सबमिट बटन है दोस्तों, सबमिट बटन पे हमें कोड करना है, उस पर हमें इंसर्ट की क्वेरी है उसको फायर करनी है क्योंकि सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा एडमिन तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आइडियाज वो ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी मर्जी अनुसार कोई भी डिजाइनिंग वाला फॉर्म ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म ले लिया है और जो सबमिट बटन है उस पर डबल क्लिक करना है। उस पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे दोस्तों तो उसकी जो क्लिक इवेंट है वो ओपन हो जाएगी और जो .cs फाइल है वो ओपन हो जाएगी और आपके सामने शो होगी। तो यहाँ पे आपको जो सबमिट बटन में इंसर्ट क्वेरी है उसको लिख देनी है। यहाँ पे सबसे पहले जो आप हर बार हम ले लेते हैं जो एडर फाइल वो ही लेनी है।
SQL क्लाइंट। दोस्तों जो भी आपने डेटाबेस लिया है उसके मर्जी अनुसार यहाँ पे SQL क्लाइंट लगा देना, क्योंकि हमने SQL का डेटाबेस यूज़ किया। उसके बाद जो भी हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेते हैं हर बार वही ऑब्जेक्ट हमें ले लेना है। अब जो पहले जो कोड है उसमें से कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। SQL कनेक्शन के ऑब्जेक्ट CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद SQL कमांड के लिए CMD यूज़ करता हूँ मैं, और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ STR। दोस्तों हमें ये तीन ऑब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो कनेक्टिविटी है उसका कोड कर लेना है। आप अगर नया कनेक्टिविटी कोड नहीं करना चाहते तो अपना जो पहला वीडियो है उसमें जो दोस्तों पहला मेनू है यूजर्स का उसमें से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नया ही ऐड कर देता हूँ connection.connection string। और उसके बाद जो भी डेटाबेस है उस पर राइट क्लिक, हर बार की तरह सेम ही प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज हो जाए उसमें से कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन सिलेक्ट, कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम हर बार जो पेस्ट करते हैं वैसे ही कंट्रोल वी पेस्ट। उसके बाद हर बार की तरह जो स्लैश है उसको चेंज कर देना है, जो डबल स्लैश कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ही कनेक्शन को ओपन कर देते हैं। दोस्तों कई तरीके से आपको क्वेरी लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत से तरीके होते हैं दोस्तों, आप अपनी मर्जी अनुसार भी कोड कर सकते हैं, इंसर्ट की क्वेरी फायर कर सकते हैं। दोस्तों जो बटन की क्लिक इवेंट है उस पर हमें सबमिट बटन की क्लिक इवेंट पे हमें जो इंसर्ट क्वेरी लिखनी है और जो भी न्यू आइडियाज है उसको हमें डेटाबेस में ऐड करना है, जो डेटाबेस में आइडियाज टेबल है उसमें ऐड हो जाना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट क्वेरी करेंगे, लेकिन उसमें जो भी कोड करेगा ट्राइकैच ब्लॉक के अंदर ही हम हर बार करते हैं, तो वैसे ही ट्राइकैच ब्लॉक को ले लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन लगा देते हैं, स्ट्रिंग एक्सेप्शन। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट ईएक्स वेरिएबल, आपने जो भी वेरिएबल्स लिया है वो। उसके बाद टू स्ट्रिंग, लास्ट में सेमीकोलन कर देना है। और उसके बाद जो ट्राई का ब्लॉक है उसके अंदर हम इंसर्ट की क्वेरी करेंगे, एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग इक्वल टू इंसर्ट इनटू जो भी टेबल्स का नाम है वही आइडियाज टेबल। उसके बाद वैल्यूज और जो कंडीशन में पहले हम प्रोजेक्ट आईडी, तो उसमें सिर्फ ही डबल इनवर्टेड कॉमा ही होगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू है TXT, आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दी है वही यहाँ पे शो होगी। तो आप अपनी जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी है वो आपको याद रखना है डिजाइनिंग में। उसके बाद जो प्रोजेक्ट नेम उसके लिए TXT, जो पी नेम जो हमने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया है वही, उसके बाद जो टाइप यानी कि प्रोजेक्ट का टाइप, उसमें दोस्तों हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज किया था तो हमें यहाँ पे सर्च करना है ड्रॉप, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट प्रोजेक्ट टाइप डॉट, यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट की जगह पे सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग है उसको सिलेक्ट करना है, जो टू स्ट्रिंग काउंस को लगा देना है। और जो लास्ट में जो प्रोजेक्ट टाइप हो जाए उसके बाद TXT लैंग्वेज डॉट टेक्स्ट, और जो सबसे लास्ट उसमें आता है ड्यूरेशन TXT ड्यूरेशन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन कर देना है। और CMD यानी कि कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड स्ट्रिंग और कनेक्शन, उसके बाद एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कमेंट दे देनी है दोस्तों, रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख के हम स्क्रिप्ट के अंदर ही कमेंट लिख देते हैं स्क्रिप्ट, ताकि एक स्क्रिप्ट बॉक्स आपके सामने शो हो।
अलॉट। सक्सेस का दे देते हैं हम मैसेज, अभी आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन सक्सेस में सक्सेस का या आप मतलब एट कंप्लीट जैसा भी आप देना चाहते हो दे देना है मैसेज। और उसके बाद कनेक्शन है उसको क्लोज कर देना है, मैसेज जैसे दे देते हैं उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज। यहाँ पे दोस्तों जो इंसर्ट का पूरा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसको इस प्रोजेक्ट है इसको रन करके चेक करेंगे, और जो हमने सबमिट के लिए हमने कोड किया है जो इंसर्ट का जो एड प्रोजेक्ट आइडियाज का उसको हम चेक करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो ऐसा एक जो इंटरफेस है रन करेंगे तो शो होगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो एडमिन का बटन जिसमें हमने होम एडमिन की डिटेल दी है वो शो होगा। तो हमें आज जो एड आइडियाज है उस पर आना है और उसको चेक करना है। उसमें से यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी में दोस्तों आप ऑटो इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। आप ऑटो इंक्रीमेंट आईडी देना चाहते हैं तो अपने जो डेटाबेस में जाके जो पीआईडी है हमारी उसको आप आइडेंटिटी है उसको एस कर दीजिए, और यहाँ पे हम एक न्यू डेटा है उसको इंसर्ट करके हम चेक करेंगे। जो फोर्थ आईडी है दे देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम आप कोई भी नेम है प्रोजेक्ट का दे सकते हैं, मान लो आप कोई भी दे सकते हो स्टूडेंट मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइप, टाइप आप मान लो वेब एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद लैंग्वेज में जावा सिलेक्ट की, और ड्यूरेशन में आपने 5 मंथ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जो सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं, देखिए तो यहाँ सक्सेस का मैसेज आ गया, यानी कि जो भी हमने डेटा सबमिट किया है वो डेटा बेस में सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना जो आइडियाज़ का मेनू है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट देने के लिए आइडेंटिटी को यस कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक है उसका मेनू है उसको कंप्लीट करेंगे, उसका फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।